हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करण और आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम बेसिक आउटलाइन का यूज़ करके गौतम बुद्धा की पेंटिंग कैसे बना सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी गौतम बुद्धा की पेंटिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मेजरमेंट के लिए सिर्फ लाइन मेथड का ही यूज़ नहीं किया है। मैंने यहाँ पे बेसिक मैंने मेरे फिंगर्स का भी यूज़ कर लिया था। मुझे अगर नोज़ और लिप्स के बीच में जो गैप मेंटेन करना होता है आपको, उसका भी मेजरमेंट मेरे फिंगर्स से ले लेता था। आप भी वैसा ट्राई कर सकते हो और काफ़ी एक्यूरेट रिज़ल्ट आया और अच्छा रिज़ल्ट आया। आप भी एक बार ट्राई करके देखो, रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। चलो फ्रेंड्स, आगे की आउटलाइंस कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आउटलाइन ड्रॉ की है, वो मैं वापस उसे रफ़ कर रहा था, उसे बना रहा था। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, बिकॉज मुझे वो जो स्केच था, वो जो आउटलाइन थी, वो एक्यूरेट चाहिए थी। बिकॉज वो जो एक गौतम बुद्धा के पेंटिंग्स पे जो वो एक पीस चाहिए, वो पीस मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे मेरा लिप्स का भी रॉन्ग हो गया था आउटलाइन। मैंने वापस उसे रफ़ किया, वापस उसे बनाया। बिकॉज़ वो जो फ्रेंड्स एक गौतम बुद्धा के पेंटिंग्स में हम देखते हैं ना, एक अलग ही शांति होती है। वो जो शांति दिखनी चाहिए थी इस आउटलाइंस में, वो शांति मुझे दिख रही नहीं थी, वो शांति भंग हुई दिख रही थी मुझे। मैं उसे वापस रफ़ कर रहा था, वापस बना रहा था, और ऐसे ही करते करते एक फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो आया। और फाइनल रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया, सेटिस्फाइंग आया। देखो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरा बेसिक आउटलाइन बनके रेडी हो गया है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये रिज़ल्ट कैसा लगा, ये आउटलाइंस कैसी अच्छी लगी, और
बुद्धा के जो फेस पे जो पीस है, जो शांति है, वो कैसी लगी। सो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और लाइक कर देना। बस यही कहना था आप लोगों से। सो तब तक के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।